आयकर विभाग के 500 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने सोम ग्रुप के यहां मारे गए छापे में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज जब्त किए। सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोड़ा और उनके करीबियों के यहां मारे गए छापे में लॉकर बुधवार खोले जाएंगे। इनमें से जेवर और नकदी निकलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक सप्ताह में चौथी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बुधवार को मोदी 3 जिलों में दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान मंगलवार को अशोकनगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें इलाज के लिए भोपाल भेजा गया, जहां उनके हार्ट में ब्लॉकेज की पुष्टि हुई है। अब जज्जी के ऑपरेशन के लिए उन्हें भोपाल से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं अब उनके समर्थक प्रचार में उनके ना होने को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उनके समर्थक जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि चुनाव आप सभी लड़ रहे हैं। इंदौर के विजयनगर में दंपत्ति घर में आग लगने से बुरी तरह झुलस गए। पड़ोसियों को पता चला तो वे दोनों को अस्पताल ले गए। विजयनगर पुलिस भी दंपत्ति के बयान लेने अस्पताल पहुंची। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना न्यू अंजनी नगर की है। यहां रहने वाले भरत और उनकी पत्नी किरण को बुधवार सुबह करीब 4 बजे MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है।